नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सलमान खान की फिल्म सुल्तान के 2 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, जो कि चाइना में रिलीज हो चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म ने भारत में कई सारे रिकॉर्ड तोड़े थे और अपने पहले दिन कमाए थे 36 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, और इसका भारत में लाइफ टाइम कलेक्शन रहा था 302 करोड़ रुपए। हम यह बात करने वाले हैं इस फिल्म के चाइना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो इस फिल्म ने जहाँ चाइना में अपने पहले दिन कमाए थे $940,000 और इसी के साथ इस फिल्म का कलेक्शन हो चुका था 7 करोड़ रुपए, वहीं इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन कमाया है $1.09 मिलियन। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ इस फिल्म का अगर हम लोग रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो इसका कलेक्शन होता है 14 करोड़ 37 लाख रुपए, जो कि 2 दिनों का टोटल कलेक्शन है। दोस्तों आपको बता दूं कि इससे पहले चाइना में सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान भी रिलीज हो चुकी है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई की थी। दोस्तों आपको बता दूं कि सुल्तान यशराज बैनर की पहली फिल्म है जो चाइना में रिलीज हुई है। इस फिल्म को बड़े स्केल पर रिलीज किया गया है। इस फिल्म को हिंदी मीडियम टॉयलेट एक प्रेम कथा, बजरंगी भाईजान और दंगल से कंपेयर करके रिलीज किया गया था कि ये उनसे अच्छी कमाई कर सकती है। वैसे आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर दंगल जो कि स्पोर्ट ड्रामा फिल्म थी, उस फिल्म ने 1350 करोड़ रुपए की कमाई की थी। उसी के तर्ज पर यहाँ पर सुल्तान को भी रिलीज किया गया था, लेकिन ये उसके हिसाब से कमाई नहीं कर पाई। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसलिए भी कम रहा क्योंकि इस फिल्म के साथ हॉलीवुड बिगी मिशन इम्पॉसिबल फिल्म भी रिलीज हुई है, जिसने अपने पहले दिन 180 करोड़ रुपए की कमाई की है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सुल्तान 300 करोड़ रुपए की कमाई कर पाएगी या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।